Yes, cheerful morning students. Today we will discuss few important questions based on general awareness. And this general awareness is all about the main institutions of India. And we will discuss some of the facts of these particular institutions. At least three facts: the year of establishment and headquarter and the head of these particular institutions. First of all, we take Supreme Court of India. As you know that Supreme Court of India is the highest judicial terminal in India. It consists of one Chief Justice and not more than 34 other judges. All are appointed by the President of India. And the retirement age of Supreme Court judge is 65 years. And who is the present Chief Justice? So you can say present Chief Justice is Shri Sharad Arvind Bobde. He is the 47th Chief Justice of India. First was श्री एच जे कानिया और इसकी स्थापना हुई 1937 में. पहले इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. 1950 में इसे नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और लोकेशन जो है वो है तिलक मार्ग न्यू दिल्ली. देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934 विद ए टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज. And it was a private shareholders bank, and you can say that share was divided in 100 rupees each. But after independence in January 49, it was nationalized by the government of India. And it issues all currency notes except 1 rupee note and all coins which are issued by the Finance Ministry of India. Its office is situated in Mumbai, and present governor of RBI is Shri Shashikant Das. Come to State Bank of India. State Bank of India is having the maximum branches in the world. One bank which is having more than 24,000 branches and with a total employee of more than 2,23,000. And State Bank of India is having its offices in more than 35 countries with more than 190 offices. And इनके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर रजनीश कुमार. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वास्तव में हुई थी 1806 में, जब इसका शुरू में नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता. हालांकि इसके नाम बहुत रहे, बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे भी रहा, बैंक ऑफ मद्रास भी रहा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी रहा, बट 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस जो है वो भी मुंबई में है. यस, देन वी कम टू इसरो. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई. इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है और एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर के सीवन. नेक्स्ट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसकी स्थापना 1963 में हुई, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और आज जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वो श्री ऋषि कुमार शुक्ला हैं. देन वी टॉक अबाउट बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इनके डायरेक्टर जनरल हैं वो श्री वी के जौहरी हैं. सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व ऑफ पुलिस पुलिस फोर्स. इसका जो जब इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस. बाद में इसका नाम रख दिया गया 1949 के अंदर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. और आज जो इनके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं श्री एपी महेश्वरी. यस, नेक्स्ट इज आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो. इसकी स्थापना 1887 में हुई. ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है. इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं श्री अरविंद कुमार. इसके बाद आते हैं आरएडब्ल्यू राव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हुई 1968 में. और इसका ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है. इसका मकसद ये रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया को एक सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए होता है उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी. और आज जो इसके डायरेक्टर हैं या चीफ हैं वो हैं मिस्टर सामंत गोयल. और इनकी जो रिपोर्टिंग रहती है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रहती है. करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई. और इंडिया में जितने भी तरह के इलेक्शंस रहते हैं, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा, राज्यसभा या असेंबलीज का, इनकी सबकी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है. तो फर्स्ट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे
सुकुमार सेन, और अभी जो हमारे हैं वो है मिस्टर सुनील अरोड़ा। और इनके जो रिटायरमेंट एज रहती है वो रहती है 65 इयर्स, या उनका जो टर्नर है वो है 6 इयर्स, जो भी पहले कंप्लीट हो उसके मुताबिक ही रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं हमारी तीनों सेनाओं की, जल सेना, थल सेना और वायु सेना की, तो हमारा जो नेवल स्टाफ है, जो इंडियन नेवी है, उसकी वास्तविकता में उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1612 में हुई थी, लेकिन जो आधुनिक प्रारूप दिया गया है इंडियन नेवल स्टाफ का, उसकी स्थापना 1950 में हुई। और जो नेवल स्टाफ है हमारा वो वर्ल्ड में 7th रैंक पे आता है। और आपको पता है कि हमारे जो नेवल स्टाफ के हेड होते हैं उन्हें हम एडमिरल कहते हैं। तो आजकल जो एडमिरल है वो है हमारे एडमिरल करमवीर सिंह। और अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है, और हमारे जो पर्सनल्स हैं वो 14,47,000 से ज़्यादा हैं, और जो कि एक्टिव पर्सनल्स हैं, और 12 लैक्स के आसपास हमारे पास रिजर्व पर्सनल्स भी हैं। फर्स्ट जो है वो चाइना का रहता है। और हमारी जो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी वो 1895 में हुई थी, और जो इंडियन आर्मी के हेड रहते हैं उन्हें हम जनरल कहते हैं। तो आज जो हमारे जनरल हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद। और अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई, और हमारे जो एयरफोर्स में पूरे वर्ल्ड में रैंक आता है वो 4th आता है, US, रशिया, इसराइल के बाद इंडिया का नंबर आता है 4th, और इसके हेड को हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो हमारे एयर चीफ मार्शल जो आज हैं, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार हैं। करें NCC की, नेशनल कैडेट कोर्स, इसकी स्थापना हुई 1948 के अंदर, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव चोपड़ा। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। इसकी स्थापना हुई थी 1854 में, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और आज जो इनके डायरेक्टर का डायरेक्टर जनरल तो वो है मिस मीरा हांडा। ये सब मेन इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर या इनके हेड कौन है ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। हालांकि आने वाले दिनों में हम हर एक पे अलग अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में जानकारी हो, लेकिन ये जो बातें आज हमने की, जो इन्फॉर्मेशन ली, ये बहुत ज़रूरी है हमें जानने के लिए, क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के। यस, लेट अस हैव ए क्विक रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1937, इट्स नेम वॉज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, बट इन 1950 इट्स नेम वॉज गिवन एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड, वी कैन टॉक अबाउट RBI. RBI was established in 1935 and it was nationalized in 1949. If we talk about State Bank of India, in the beginning it was established in 1806 and its name was Bank of Calcutta. Then its name was given as Bank of Bombay, Bank of Madras and Imperial Bank of India as well. But in 1955, it was named as State Bank of India. And if we talk about BSF, it was established in 1965. If we talk about CRPF, it was established in 1939. If we talk about Post Office, it was established in 1854. If we talk about Indian Air Force, it was established in 1932. If we talk about Indian Army, it was established in 1895. If we talk about IB, it was established in 1887. And if we talk about RAW, it was established in 1968 in the government of Indira Gandhi. So you can remember as per your own choice, either in ascending order or declining order. But the important thing is that you should discuss with the parents, grandparents, so that you can collect more information. और ये बात याद रखना, केवल कभी एक फैक्ट को याद नहीं करना है, एक आंसर को नहीं, उससे रिलेटेड आपको कई फैक्ट्स को कलेक्ट करना है ताकि वो आपकी डीप मेमोरी में जाए और उसको डिस्कस करना है। और जब तक हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो चीज़ें डीप मेमोरी में नहीं जाती हैं। थैंक्स अ लॉट।